नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मगर टीवी में। मैं हूं आपके साथ अंकिता। इस वक्त की अहम खबरों के मानपुर कलाली मोड़ के पास रॉकस्टार क्लब की ओर से भव्य लक्ष्मी पूजा समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के नेता शशि शेखर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। जिला पार्षद भोला चौधरी सहित कई अन्य गणमान्य लोग मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। सभी अतिथियों को शॉल गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। भव्य भंडारा का आयोजन किया गया जिसमें हजारों लोगों ने भंडारा का प्रसाद पाकर बहुत खुश दिखे। इस मौके पर स्थानीय लोगों का कहना है कि रॉकस्टार क्लब की ओर से लगातार कई वर्षों से इस तरह के भव्य आयोजन किए जा रहे हैं। स्थानीय थाना अध्यक्ष मुन्ना कुमार ने बताया यह क्लब बहुत ही शांति तरीके से यहाँ पर आयोजन करवा रही है। इस मौके पर राजा कुमार, सुमन सिंह, बादल कुमार सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। मानपुर की ओर से यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, कैसा हुआ है? देखिए, रॉक स्टार क्लब के युवा हर वर्ष दीपावली के अवसर पर लक्ष्मी पूजा का बहुत ही अच्छा भव्य कार्यक्रम करते हैं और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हर वर्ष मुझे ही बुलाते हैं। मैं आता हूँ, उनके बीच में इनका प्यार मुझे मिलते रहा है और इनकी कोशिश रहती है कि मैसेज देना चाहते हैं कि मानपुर में हमारी महिलाएं, हमारे बच्चियां इतनी सुरक्षित है कि आराम से घूमकर पूरे मानपुर में जहाँ भी दुर्गा स्थान हो, इधर पटवा टोली हो, हर जगह ये युवा क्लब के द्वारा संचालित होता है कि अच्छे तरीके से ये पर्व मने। और साथ मैंने मन से मैंने विनती की है, आने वाला छठ पर्व बहुत बहुत लोक आस्था का महापर्व कहा जाता है बिहार के लिए, कि युवा साथी रॉक स्टार क्लब के लोग और तमाम युवा साथी मानपुर के लोग बढ़ चढ़ कर छठ व्रतियों की सेवा करेंगे ताकि किसी भी छठ व्रती को कोई दिक्कत नहीं हो। और हर वर्ष की भांति इस बार भी ये तीनों कार्यक्रम आपका दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन और छठ संपन्न होगा, शांति से होगा और देश में अमन कायम बरकरार रहेगा। पूरे गया शहर में सबसे बेहतरीन यहाँ पर पंडाल देखा जा रहा है, लाइटिंग की सजावट भी अच्छी है, यहाँ तमाम युवाओं की टीम ने इस व्यवस्था को किया, इसको लेकर युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ही कहता हूँ कि हर साल बढ़ रहा है, इस पिछले साल से इस बार 30-40% अच्छा बढ़ोतरी हुई है, अगले साल और अच्छा होगा। क्योंकि इससे क्या होता है कि एक बार अच्छा कार्यक्रम आप करते हैं, युवाओं का मनोबल बढ़ता है, दूर से जो लोग देखने आ रहे हैं वो उत्साहित होते हैं, वो आते हैं दोबारा यहाँ आने का प्रयास करेंगे। तो हम तो यही कहेंगे कि हमारा साथ इनके साथ है, ये जितना भी अच्छा कार्यक्रम कर सके करें और बढ़ चढ़ के कार्यक्रम हर वर्ष करें और अच्छा कार्यक्रम करें। मैं रॉक क्लब के कमेटी के जितने भी सदस्य हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि हर साल के भांति इस साल भी बहुत अच्छा कार्यक्रम इन्होंने किया है, जो मानपुर में नहीं पूरे गया में एक इतिहास लोग बनाए हैं। ऐसा कहीं पंडाल मानपुर और गया में नहीं है, ये पहला पंडाल है जो रॉक क्लब का पंडाल है। मैं माता लक्ष्मी और गणेश के कृपा, ये लोग जितने भी सदस्य हैं यहाँ मानपुर वासियों हैं उन पर कृपा बना रहे, मैं यही कामना करता हूँ। लाली रोड मानपुर बाज़ार में रॉकी क्लब की ओर से जो यहाँ पर लक्ष्मी पूजा हो रहा है, इसे देख करके यहाँ के लोग से उत्साहित हैं। हम लोग भी यहाँ के कला को देख करके, यहाँ के कलाकार को सबसे पहले जो मंच बनाए हैं, जो स्टेज बनाए हैं, उनको हम धन्यवाद देंगे कि आप जिस तरीका का यहाँ पर अपना कला प्रदर्शन किए हैं वो बहुत ही बढ़िया कार्य किया है। और यहाँ के नौजवानों को और माताओं बहनों को, जितने भी यहाँ पर इस कार्यक्रम में जो शामिल हुए हैं लड़के लोग, उनको हम बधाई देना चाहेंगे कि आप अगले साल इससे अच्छा करेंगे, इस उम्मीद के साथ आज हम लोग यहाँ पर लक्ष्मी पूजा में माँ छठी की मैया को आशीर्वाद लेकर के हम लोग यहाँ से जा रहे हैं कि आप सभी अगले साल भी इससे अच्छा काम करेंगे। और अभी जो हमने देखा, अभी जो हमने बोला कि मानपुर में हमने 2 दिन दौरा किया, उस दौरा के दरमियान ने देखा कि यहाँ की बच्चियाँ, महिलाएँ निर्भीक होकर के सड़क पर रात्रि 12 बजे तक घूम रही हैं। और मैं यहाँ के भटके हुए नौजवानों से अपील करना चाहूँगा कि आप भी इसमें सहयोग दें, आप भी माता लक्ष्मी का पूजन करें, माता लक्ष्मी का सेवा करें। माता लक्ष्मी आपकी भावना को जरूर समझेंगे, आपकी भावनाओं को समझते हुए आपको अच्छे कार्य करने के लिए दिशा निर्देश देंगे। जय हिंद, जय भारत। आज
यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथिगण को मैं जय हिंद करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और इस अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आप लोगों के युवा जितने भी यहाँ उपस्थित युवा हैं सभी ऊर्जावान हैं, सभी को देखकर मैं भी काफी उत्साहित हूँ। मैं आप लोगों का अनुशासन देखकर इस तरह का जो कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं सड़क पर इतना सुसज्जित सुव्यवस्थित ढंग से, तो मुझे अच्छा लगता है और सहयोग भी मिलता है। कभी कभी थोड़ी सी परेशानी हमें महसूस होती है लेकिन मैं खुश भी होता हूँ और आप लोग का सहयोग देख करके मैं भी उत्साहित हो जाता हूँ और आप लोग के साथ हो जाता हूँ। मैं चाहता हूँ इसी ऊर्जा को एकदम सहेज कर आगे सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। जीवन में भी जो भी आपके विकास के लिए आवश्यकता है और जहाँ हमारी सहयोग की अपेक्षा है, मैं आपके साथ गया पुलिस की ओर से बुनियादी थाना पुलिस आपके साथ है, हमेशा रहेगा भी और है। और मैं आज बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, आप लोग जो कार्यक्रम निर्धारित किए हैं वो तो कार्यक्रम को अच्छी तरह से निर्वहन कीजिए और आगे बढ़ाइए। विशेष ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, कारण की विसर्जन का भी और जगह से सूचना आ रही है, सड़क पर वो अभी प्रोसेस में है, प्रोसेशन चल रही है, वहाँ भी हमारी उपस्थिति अनिवार्य है ताकि किसी प्रकार का कुछ वो जो होने वाली है वो उससे हम उस बाधा उसमें नहीं हो और उसको शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करा सके। आप लोग से अनुरोध मेरा रहेगा कि कल 15 तारीख को आप लोग शांतिपूर्ण समय अनुसार जो अभिव्यक्ति दिया गया है उसके अनुसार आप लोग जो संपन्न है करना है, विसर्जन करना है प्रतिमा का और निर्धारित रूट लाइन है उसके अनुसार अनुशासित पूर्वक व्यवस्थित होकर जिस तरह से अब तक चलाए हैं संपन्न किए हैं उसको भी आप निपटारा कर लेंगे और हमें भी उपस्थित रहूंगा। मैं आपको प्रमिस करता हूं लेकिन आप लोग यदि करेंगे तो हमें भी खुशी होगी। धन्यवाद। जय हिंद।